हेलो 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 शांत भाई, शांत भाई। चलो फाइनल का भी आज फाइनल पढ़ने का मूड है। हाँ फाइनल पढ़ने का मूड है तो फाइनल का टॉपिक चालू करता हूँ। यस जान दो, सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं थोड़ा। हम लोग पहुंचते हैं हमारे सैलरी पे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सो भाई साहब, अगर आपको याद है तो आज सैलरी का एक और दिन, आई गेस दिस इज द थर्ड डे ऑफ सैलरी। से यस यस सैलरी टॉपिक भी इतना छोटा है कि 3 दिन तो लगने ही चाहिए, मतलब इतना तो बनता है, नहीं तो इज्जत खराब हो जाती थी टॉपिक की। यस चलिए, हम लोग कहाँ थे? हम लोगों ने बेसिक खत्म कर दिया, अलाउंसेस खत्म कर दिया, परक्विजिट्स खत्म कर दिए, और हम थे रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। क्या तुझे याद है? यस और नो? यस, यहां से हम पहला परक्विजिट क्रॉस कर चुके थे, पहला रिटायरमेंट बेनिफिट क्रॉस कर चुके थे, दैट वाज ग्रेच्युटी। दूसरा भी कर चुके थे क्रॉस, दैट वाज पेंशन। यस, तीसरा भी क्रॉस कर चुके थे, दैट वाज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो 3 तो हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, क्या तुझे याद है? यस, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने नहीं किए होंगे। अच्छा किए हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी तरीके से आज का टारगेट हमारा क्या है? आज का टारगेट हमारा ये है कि हम लोग सैलरी के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स आप सभी को पता है बहुत कम बचे हैं और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा। तो आज का टारगेट, का पूरा दिन का टारगेट बस यही है कि हम लोग कॉन्सेप्ट ले फिर एक प्रॉब्लम उठा ले, कॉन्सेप्ट ले फिर एक प्रॉब्लम उठा ले, कॉन्सेप्ट ले फिर एक प्रॉब्लम उठा ले। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट में आज हमारे को चलना है। रिटायरमेंट बेनिफिट पे हम लोग, नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट पे आ रहे हैं हम लोग, एंड द नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इज यस VRS, पेज नंबर 5.4 VRS के ऊपर आते हैं। एग्जाम के अंदर में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट हाँ पूछा जरूर जाता है कभी कभार। VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। याद रखने का तरीका, मैं काम करना छोड़ रहा हूं, सी, मैं काम करना छोड़ रहा हूं, मैं VRS ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं बेटा? VRS। VRS का मतलब क्या होता है? देखिए होता यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट की एक एज होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट की एक एज होती है, लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि आप उस एज से पहले ही रिटायर हो जाए। अब पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों चाह रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाह रहा है इसलिए क्योंकि सी, कोई भी व्यक्ति जब एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका मनी एक्सपेक्टेशन, उसका लेजर एक्सपेक्टेशन एंड पोजीशन एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। बोलो हाँ, बराबर। उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है उस पोजीशन को लेकर के या चीजों को लेकर के, राइट। अब ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि यार इससे आउटपुट, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वो देखता है कि भैया ये आदमी है, इसको पोजीशन चाहिए, इसको पैसा चाहिए, लेकिन ये नया काम करने के मूड में नहीं है। तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन को लगता है यार इसको एक्स्ट्रा हैवी पेमेंट क्यों देना, इसको जितना पेमेंट दे रहे इसमें तो दो नए यंग पीपल आ जाएंगे। कम ऑन, अंडरस्टैंड, दे हैव देयर ओन माइंडसेट। एवरीवन हैज देयर ओन माइंडसेट। कि इस धरती पे कोई गलत नहीं जनाब, कभी आईने में अपने आप को तो देखिए, मतलब सही बात है कि नहीं? कि ऐसे कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। यस, इस धरती पे कोई गलत नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही है। तो बस उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि भैया क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति ओल्ड हो चुका है एंड हु इज नॉट रेडी टू मोल्ड, क्योंकि समय के हिसाब से सबको बदलना जरूरी है। सोचिए आज से 20-22 साल पहले कोई किसी कंपनी के अंदर में जॉब करने लगा होगा, कंप्यूटर इतना अपडेटेड ही नहीं होगा, 2000 के सीरीज में कंप्यूटर्स एंड अदर चीजों को बहुत ज्यादा क्रेज मिला और वो अपडेट होना शुरू हुए। कई लोग ऐसे भी तो रहे होंगे जिन्होंने, जो उस तरीके से अपग्रेड नहीं हुए। अब सोचिए कंपनी में जितने मार्केटिंग वाले पुराने लोग होंगे, नो डाउट इनके पास मार्केटिंग के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन नए सिचुएशंस के हिसाब से क्या ये मार्केट कर सकते हैं? आंसर इज नो। आज का ट्रेंड जो है ये अलग चीज चाह रहा है, आज का जो जनरेशन है ये काफी अलग चीज चाह रहा है। यस, इसको आज इंस्टा मार्केटिंग समझ में आता है, इसको आज स्नैप मार्केटिंग समझ में आता है। यस, अब आप सोच करके देखिए, जिसके पास मार्केटिंग का सच में 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको मार्केटिंग का क्या एक्सपीरियंस है? होर्डिंग लगाओ, पेपर में दो, एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर आज के तारीख में मार्केटिंग करने का तरीका और मार्केटिंग के जो वेज है पूरे के पूरे बदल चुके हैं। Yes or no? आज बहुत कम लोग हैं जो पेपर एडवर्टीजमेंट में जाते हैं, रादर वो या तो टीवी एडवर्टीजमेंट में जाते हैं, विच इज बिट एक्सपेंसिव, या तो कोई इन्फ्लुएंसर को पकड़ के क्या करते हैं, मार्केट करते हैं। Yes or no?
राइट या तो फिर किसी फैशनेबल तरीके से सेम चीज को मार्केट किया जाता है, तो चीजें बदल गई है। ऐसे केस में वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे को यंग ब्लड की जरूरत है जो नए तरीके से मार्केट कर सके, और पुराने वालों को बाइज्जत पैसे देके रिटायर किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज VRS। मतलब आप उनको रिट्रेंच नहीं करते, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि यू नो जब आप इतने बड़े कंपनी में होते हैं तो किसी को डिसरिस्पेक्ट करना सही नहीं होता, स्पेशली जब कंपनी का गुडविल बहुत बड़ा हो, तो आप खुद होकर के उनके लिए एक स्कीम निकाल देते VRS। इमेजिन टाटा जैसी कंपनी जिनका नाम ही बहुत बड़ा है, यस, और जाने ही अपने रेप्यूटेड रेप्यूटेड तरीके से काम करने के लिए है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको रिट्रेंचमेंट नहीं देंगे, लेऑफ्स नहीं देंगे, रादर कंपनी के अंदर एक स्कीम निकाल देते कॉल्ड एज VRS। यस, अब VRS की कई कंडीशंस आपको दी हुई है, हालांकि कंडीशंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एग्जम्पशन पढ़ना है। एग्जम्पशन कितना है, लोअर ऑफ पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, दूसरा मैक्सिमम लिमिट मालिक 5 लाख, यस, तीसरा अमाउंट हायर ऑफ, अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ये दो में से आपको हायर ढूंढना है, और इन तीन में से आपको क्या ढूंढना है, लोअर। अमाउंट हायर ऑफ पहला लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो आखिरी सैलरी आपने ड्रॉ करी थी, सर सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। याद रखें ये जो VRS है, इसका डिडक्शन लाइफ में आप सिर्फ एक बार ले पाएंगे, इसका डिडक्शन आप लाइफ में सिर्फ एक बार ले पाएंगे, VRS का बेनिफिट लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है। यस, तो पहला लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3, काफी सर्च करने की कोशिश की, ये इंटू 3 क्यों किया गया है, गॉड ओनली नोज उनने इस फॉर्मूले को किस तरीके से डेरिवेट किया। लास्ट ऑन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, यहां पार्ट डेयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स नहीं लिखा हुआ है, यहां पार्ट डेयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स दिया हुआ नहीं है। यस, अच्छा जी, लास्ट ऑन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस, क्या बोल रहे हैं वो, बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। ये बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस क्या होता है बेटा, समझिए बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस कैसे निकालते हैं, बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट कितना है। हर कंपनी का एज ऑफ रिटायरमेंट अलग अलग होता है, जनरली पकड़ते हैं 60। एज ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ VRS लेट्स से 49। अभी कितने साल वो काम कर सकता था कंपनी के अंदर में, 11 इयर्स। अभी कितने साल काम कर सकता था वो कंपनी के अंदर में, 11 इयर्स। ये 11 इयर्स हुए, लेकिन क्या हमें फिगर्स इयर्स में चाहिए या मंथ्स में चाहिए, अब इसको आप मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए। यस, आप इसको क्या कर दीजिए, मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। मतलब अभी भी कितने साल और वो काम कर सकता था, अभी भी वो और कितने साल काम कर सकता ता, समझ में आ रही बात आपको। सो 1, 2, 3 स्टार्ट, लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ऑन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, लास्ट ऑन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, एक पॉइंट है याद रखिए, मुझे लगता नहीं आपको पूछा जाएगा, बट फिर भी यू नो अगर असेसी VRC क्लेम कर लेता है, या VRS जिसे हम कहते हैं, अगर हम VRS क्लेम कर लेते हैं तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) नहीं मिलेगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) लिया तो 1010C नहीं मिलेगा। यस, आइए सर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, लीव सैलरी, जिसको हम रजिस्टर में भी लिखेंगे लीव सैलरी। अब समझिए ये होता क्या है सर, हर ऑर्गेनाइजेशन में लीव्स अलग अलग मिलती है, मतलब अपार्ट फ्रॉम नेशनल हॉलीडे एंड पब्लिक हॉलीडे लीव के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्री के अंदर में सैटरडे भी ऑफ होता है, अरे एवरीबॉडी, आईटी इंडस्ट्री में सैटरडे भी ऑफ होता है, विच इज जनरली नॉट अलाउड। अब अगर मैं लेबर लॉस की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, लेबर लॉस की बात करूं, तो जनरली 30 डेज लीव अलाउड है, जनरली कितने दिन लीव अलाउड है, 30, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक हॉलीडे नेशनल हॉलीडे, आप 30 दिन का पेड सिक लीव ले सकते हैं। कभी सुना है आप लोगों ने ऐसा, आप 30 दिन का पेड सिक लीव ले सकते हैं। यस, तो ऐसे केसेस में 30 दिन का लीव अलाउड है, पहले दिमाग में ये सेट करो,
इस कंसेप्ट को मैं बाजू रख रहा हूं, कितने दिन का लीव अलाउड है 30, इस कंसेप्ट को मैंने बाजू रख दिया। दूसरा, अब कंपनी, हर कंपनी एक ऑप्शन देती है, मान लीजिए अगर आप लीव नहीं लेना चाहते और आप काम करना चाहते हैं तो इस दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है, कई कंपनी में डेढ़ा और कई कंपनी में डबल, एज द केस में भी अपनी अपनी पॉलिसी है। मतलब अगर आपको दिन के लेट से 500 रुपीज मिल रहे हैं तो रादर देन 500 इंटू 1.5x या तो फिर 2x इस तरीके से पेमेंट मिलता है ना। तो अब ऐसे केसेस में कई लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टी ना लेकर के काम कर लेते हैं, बराबर है, छुट्टी ना लेकर के काम कर लेते हैं और इसको वो सैलरी के साथ ही इनकैश करवा लेते हैं। दो तरीके होते हैं, एक या तो ये लीव आप बटोर लो और जब आपको एक साथ लीव लगे तब ले लो, दूसरा आप बोलो कि नहीं मेरे को लीव नहीं चाहिए, जो होना तो हो गया, अभी मेरे को आप इसके जगह पे पैसे दे दो। तो दोनों अपनी अपनी पॉलिसी होती है। एक या तो आप लीव अक्यूमुलेट कर लें, आप लीव क्या कर लें, अक्यूमुलेट, कि मैं एक साथ लूंगा, जैसे अभी रिसेंटली मैंने लिया, राइट, पिछले डेढ़ साल से लीव ही नहीं लिए थे, संडे भी पागल जैसे वर्क करे, संडे से याद आया, खैर छोड़ो, ठीक है, संडे भी वर्क कर रहे, मंडे भी वर्क कर, डेली वर्क करे जा रहे, डेढ़ साल से हम लोगों ने लीव ही नहीं ली कि भैया यहां जाकर के छुट्टी मना रहे, फिर क्या किया हमने, हमने पूरी डेढ़ महीने की लीव एक साथ ले ली, पूरी लीव अक्यूमुलेटेड थी, पूरी की पूरी एक साथ यूज कर ली। एक तरीका ये, दूसरा एनकैश करवा लो कि भैया मेरे को पैसे दे दो, मेरे को लीव पे जाना नहीं है, अपने को इधर ही अपना सब लीव हो जाता, ओके, अपना सब इधर ही हो जाता। सो द पॉइंट इज, दो तरीके से, लीव एनकैश या अक्यूमुलेट किया। अब सोच के देखिए जरा, अक्यूमुलेट किया तो क्या हो सकता है, ठीक है, एनकैश करा लिया, लीव एनकैश ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, जल्दी से बताइए, लीव एनकैश ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, जल्दी से बताइए, इज इट टैक्सेबल, ओ यह, इज इट टैक्सेबल, अरे हाँ बोलो ना, इज इट टैक्सेबल, बिल्कुल टैक्सेबल है, यस। सो लीव एनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस टोटली टैक्सेबल, ये हम बेसिक्स में भी साथ में पढ़ के आए हैं, याद आ रहा है आपको। अब सोच के देखिए, राइट, जो लीव अक्यूमुलेट हो गई, जो लीव अक्यूमुलेट हो गई कि भैया अभी मैंने लीव नहीं ली, कभी किसी दिन लगेगा तो एक साथ लूंगा, वो होते हैं ना जैसे कोई फैमिली फंक्शन होता है, साल में फैमिली में एक बार जाना होता है तो वो लोग एक साथ ही लीव ले लेते हैं और 10-15 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं। स्पेशली ये तब होता है जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मी में, ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी देने की इच्छा में नहीं होता पर बच्चे की छुट्टी है इसलिए आप सोचते हो कि नहीं यार मैं घूम के आऊंगा बच्चों के साथ। सो दिस इज लीव अक्यूमुलेटेड। अब लीव अक्यूमुलेटेड में दो बातें होंगी, जरा समझना, एक जो लीव अक्यूमुलेटेड थे उसमें से कुछ आपने खर्चा कर दिए, जो खर्चा कर दिया उसका तो वैसे आपको कुछ नहीं मिल रहा, विषय खत्म। जो लीव बच गए इसका क्या होता है, जो लीव्स आपने नहीं लिए रिटायरमेंट पे इसका आपको क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन, रिटायरमेंट पे इसका आपको क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। अगर मरने के बाद मिले नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल है, जब आदमी मर गया आप क्या लीव का पैसा लोगे, अपॉन रिटायरमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ फॉलोइंग, चार चीजों का लोअर, पहला एक्चुअल, दूसरा एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इंटू 10, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इंटू 10। सर सैलरी का मीनिंग क्या, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, मैक्सिमम लिमिट 3 lakhs, लीव क्रेडिट फॉर 30 days। आइए मेरे साथ चार्ट बनाते हैं और एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले आता है लीव क्रेडिट या लीव एनकैशमेंट्स, ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ एग्जम्प्ट, ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। जो भी मिला होगा एक्चुअल में से लेस ए एक्चुअल, बी मैक्सिमम लिमिट
3 लाख, सी एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इंटू 10, डी लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज, लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज। Is that done? Is this done? चलिए अब देखिए, पहले तीन बड़े आसानी से निकल जाएंगे। सैलरी का मतलब क्या है बोलो? सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। यस, अब लीव क्रेडिट कैसे निकाला जाता है? लीव क्रेडिट कैसे निकाला जाता है? देखिए, लीव क्रेडिट आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा, लीव क्रेडिट आपको ऑलरेडी गिवन देगा कि कितने लीव बैलेंस है। अगर आपको बैलेंस लीव प्रॉब्लम में दिया है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम में बैलेंस लीव दिया है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वॉट एवर इज योर बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, ये आपका लीव क्रेडिट बन जाएगा। लीव क्रेडिट कैसे निकाला जाता है? बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। डन है बेटा? नीड टू कंप्यूट, नीड टू कंप्यूट। ऐसा पॉसिबल है कि आपको कंप्यूट करना पड़े, कंप्यूट करना पड़े तो लीव अलाउड निकालिए। सबसे पहले लीव अलाउड माइनस लीव ऑलरेडी टेकन, ये बन जाएगा आपका बैलेंस लीव। फिर तो फॉर्मूला क्लियर है, बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। तो एक या तो बैलेंस लीव आपको प्रॉब्लम के अंदर में दिया हुआ है, दूसरा या तो बैलेंस लीव आपको निकालना है। बैलेंस लीव निकालोगे कैसे? कितनी लीव अलाउड थी उसमें से कितनी ले ली। मेरे पास 100 बनाना थे जिसमें से 10 मैंने यूज कर लिए, 90 बचे। कैलकुलेशन सिंपल है। एक मिनट, इतना सिंपल भी नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं है। गेम है पूरा लीव अलाउड का। अब ये लीव अलाउड कैसे निकालेंगे? सर अंडरस्टैंड कीजिए, लीव अलाउड के केस में डिपेंड करता है आपको लीव कितने दिन की मिलती है। लीव अलाउड के केस में डिपेंड करता है आपको लीव कितने दिन की मिलती है, आपको लीव कितने दिन की मिलती है। ध्यान से सुनिए, लीव अलाउड इज मोर देन 30 डेज इन अ ईयर डॉट 30 डेज लेस देन 30 डेज। कुछ लेबर लॉ का पॉइंट याद आ रहा है जो हमने यहां छोड़ा था? आपको कितने दिन की पेड लीव अलाउड है, सिक पेड लीव अलाउड है बोलो? यस ऑर नो? 30 डेज, यस ऑर नो? पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन 30 से ज्यादा देते हैं, कुछ 30 देते हैं, कुछ 30 से कम देते हैं।
अपनी अपनी पॉलिसी है। लेबर लॉ कहता है 30 देना चाहिए, पर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना पॉलिसी है। जैसे आईटी इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे, ये 30 से ज्यादा देता है, संडेज भी देता है, सैटरडेज भी देता है, 52 तो सैटरडेज ही हो जाते हैं। 52 अगर संडे, राइट। तो आप मुझे बताइए, अगर 30 दिन से ज्यादा दिया, यू नीड टू कैलकुलेट फॉर 30 डेज ओनली। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम में बोला है 40 दिन का लीव हर साल अलाउड है, तो भी कैलकुलेशन कितने का रहेगा, 30। दैट इज 30 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ये बनेगा आपका लीव अलाउड, कि पूरी आजीवन सर्विस के दौरान कितनी लीव अलाउड थी। 30 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। यस सर, डॉट 30 होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैलकुलेशन 30 के बेसिस पे ले लो, 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। सर 30 से कम है तो एक्चुअल डेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। डन, चलिए वापस से देखते हैं लीव एनकैशमेंट कैसे निकालते हैं। लोअर ऑफ फोर थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, तीसरा एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स इनटू 10, चौथा लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज। लीव क्रेडिट कैसे निकाला जाता है, या तो कितनी बैलेंस लीव है प्रॉब्लम में दिया है, या तो कैलकुलेट करना है। अगर प्रॉब्लम में दिया है बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, नहीं तो कंप्यूट करना है लीव कितनी अलाउड थी, उसमें से कितनी ले ली, बैलेंस लीव निकल जाएगा। लीव कितनी अलाउड थी ये कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम में देखना होगा कितने दिन की लीव अलाउड है। 30 दिन से ज्यादा देते हो 30 देते हो, या 30 कम देते हो। अगर 30 दिन से ज्यादा देते हो तो भी कैलकुलेशन कितने पे होगा, 30। 30 देते हो तो कैलकुलेशन 30 पे होना, 30 से कम देते हो तो एक्चुअल। फॉर एग्जांपल एवरी ईयर यू आर अलाउड 25 लीव एवरी ईयर, तो 25 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ये टोटल सर्विस में कितनी लीव अलाउड थी माइनस उसमें से कितनी ले ली, बैलेंस लीव आपके सामने निकल जाएगा। एवरीबॉडी यस और नो, पक्का श्योर? तो आपको नहीं लगता हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए, है ना? क्वेश्चन नेयर पे आ जाइए। प्रॉब्लम नंबर टेन। रीड, ट्राई टू सॉल्व, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
शुड आई? कौन स्पीड अप जल्दी से? करूं क्या? अरे तुमसे ना हो पाएगा, हो पाएगा? चलो लेट मी चेक. गुप्ता रिटायर्ड ऑन डिसेंबर आफ्टर 20 इयर्स एंड 10 मंथ्स ऑफ सर्विस रिसीविंग अ सैलरी ऑफ रुपीज 5 लाख. अदर डिटेल्स, बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ दिया है, 1000 वाज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल. डीए दिया है, कमीशन दिया है, बोनस दिया है, लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस 480 डेज का लीव अवेल्ड है. He was entitled to 30 days leave every year. You are required to compute the taxable leave, assuming he is a government employee. बताइए सर, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो क्या मैं फुली एग्जम्प्ट कर सकता हूं? अरे एवरीबॉडी, सो पहला आंसर हमारे पास क्लियर है. इफ ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ऐसे केस में उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? निल. आंसर ए ओवर. आंसर बी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? एक्चुअल. एक्चुअल कितना रिसीव हुआ बोलो? इज इट 5 लाख? यस 5 लाख आ गया. लेस लोअर ऑफ ए एक्चुअल. एक्चुअल तो 5 लाख बहुत क्लियर है. बी व्हाट इज माय मैक्सिमम लिमिट? मैक्सिमम लिमिट इज 3 लाख. सी एवरेज सैलरी इनटू 10. अब चलो एवरेज सैलरी निकालो. एवरेज सैलरी निकालो. 10 मंथ्स एवरेज लेंगे. अरे एवरीबडी, यस. नवंबर से जरा पीछे जाओ 10 मंथ्स. कहां तक पहुंच रहे जरा देखते हैं. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. एवरीबडी, यस. तो क्या मैं फरवरी से काउंट कर सकता हूं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना, राइट. अच्छा जी, आप मुझे बताइए,
1000 वॉज इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल, मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 4000 इंटू टू दैट इज फरवरी एंड मार्च एंड 5000 इंटू, बोलो ना बेटा, 8, तो आपका सैलरी बन जाएगा 4000 इंटू टू 5000 इंटू 8, टोटल कितना बन रहा है बेटा 5000 इंटू 8, 4000 इंटू 2, टोटल 48000 मेरा बेसिक सैलरी बन रहा है एवरीबॉडी। अरे एवरीबॉडी, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर, ठीक है। तो हमारा बेसिक तो क्लियर हो गया। व्हाट इज डीए फॉर 10 मंथ्स, डीए कितना दिया है 3000 पर मंथ, 60% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 3000 इंटू 10 इंटू 60%, डू यू अग्री, इज इट 18000 ब्रो। देन कमीशन आता है, कमीशन इज 500 पर मंथ बट नॉट बेस्ड ऑन टर्नओवर। आप मुझे बताइए समथिंग विच इज नॉट बेस्ड ऑन टर्नओवर, क्या हम उसे काउंट करेंगे, नहीं। सो हमारा सैलरी हो गया 48000 इंटू, सॉरी 48000 प्लस 18000, इज इट 66000। 66000 तो 10 मंथ्स का सैलरी है, इसको मेरे को एवरेज लेना है, एवरेज ऑफ 10 मंथ्स, यानी 6600 हुआ क्या ब्रो, 6600 इंटू 10, क्या मैं 66000 यहां पे लिख सकता हूं एवरीबॉडी। मालिक सबको समझ में आ रहा है, जितने लोग हैं सबको समझ में आ रहा है। डी लीव क्रेडिट, चौथी चीज क्या बेटा, लीव क्रेडिट, बताओ लीव क्रेडिट के लिए एक और वर्किंग नोट बनेगा। लीव क्रेडिट, टोटल लीव अलाउड कितनी हुई, व्हाट इज टोटल लीव अलाउड बताओ, 30 डेज के हिसाब से फॉर 20 इयर्स कंप्लीटेड ही लेंगे हम लोग, इज इट 600 माइनस ऑलरेडी टेकन, इज इट 480, तो 600 माइनस 480 कितना हो गया बेटा 120, करेक्ट। क्या मुझे बैलेंस लीव मिल गया, बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, 120 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 30, डज दिस कम्स टू 26400, बताइए चारों में से लोअर 26400 हो गया फिर, सो टैक्सेबल इज 473600, डू यू अग्री, आंसर देखो क्या है, चारों में से लोअर दिया है, यहां पे आंसर नहीं है, आंसर राइट अप करो। अच्छा ये इधर है 473600, चारों में से लोअर 473600, एवरीबॉडी यस और नो, आता कस वाटते, घर घर वाटते, मजा आ रहा है सभी को, लो जी खत्म। कैसा लगे जब मैं आपको ये बताऊं कि आपने मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एज इट इज मॉड्यूल से हमने भी इंस्पायर हुए हम लोग भी, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन क्लियर है मालिक, आप मॉड्यूल की चीज सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ठीक है कुछ हो सकता है लाइफ में, बुझे हो सकता है ना जी, वाह कहाँ कह रहे हैं सुनिए ना, बुझिएगा जरा ही सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 मॉड्यूल का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे बेस्ड है, लिखिए अपने रजिस्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 9 मॉड्यूल बेस्ड ऑन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, नहीं वीआरएस, लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन वीआरएस, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी सॉल्व कीजिएगा, बता रहे हैं अरे चालू ही नहीं है, चालू है
बंद कर दें ऐसी लीजिए, आप कह रहे हैं तो बंद कर देते हैं। कहा है सुबह सुबह रे ना शीत लहर के कारण ठंडी बढ़ गया है। आपके मन में आ रहा होगा हमारे लैंग्वेज को कहा हुआ है, कुछ नहीं साहब, इधर उधर की आत्मा घूमती रहती है, हमारे अंदर प्रवेश कर निकल जाती है। आज कोई बिहारी बाबू की आई होगी, प्रद्युम्न आप गलत अज्यूम कर रहे हैं बेटा। करो करो इलस्ट्रेशन नंबर 9, चाय पी लो फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। बोलिए, सैलरी के साथ 5 हेड मिलाओगे प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ तो ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करोगे तो टोटल इनकम बनेगा। यू पे टैक्स ऑन टोटल इनकम डिपेंडिंग अपॉन योर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चर इनकम, याद आ रहा है ना तुमको? हाँ, ये सब सिर्फ 60 मार्क्स के लिए है, सीएमए न्यू सिलेबस में 50 मार्क्स के लिए है। कर ले हम सॉल्व, व्हाट इज द आंसर बेटा? 2 लाख, एक जवाब मेरे तक पहुंच चुका है 2 लाख। क्या कर रहे हैं आप? यहां एक बच्चा है 2 मिनट में जवाब निकाल दे और तुम तो अब तक चालू नहीं पड़े हो। स्पर्शी का भी जवाब आ गया भैया ऑनलाइन में, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, जल्दी निकालो 2 लाख। डोंट हैव दी होल डे, कम ऑन स्पीड अप, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा, मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ते बदलना नहीं कहते। आप सभी को बता दूं, 1 फरवरी से ऋषभ सर का ऑडिट फास्ट ट्रैक भी फ्री चालू हो रहा है। सो दोज हु आर गिविंग ग्रुप 2 और गिविंग बोथ ग्रुप, इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कि आप कर लें। इस बार एकत्वम एकेडमी ने ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें फ्री कर रखी है, चाहे वो इंटर लेवल पे हो चाहे वो फाइनल लेवल पे हो। सर फाउंडेशन का भी कुछ करा दीजिए, पिछले बार ही कराया था, लास्ट कराया था, जाके देखो प्ले लिस्ट में अवेलेबल हो गया। फाइनली द आंसर सब्सटेंशियली इज 2 लाख, यस और नो? लीजिए आपका आंसर करेक्ट है, मस्त मजे फुल ऑन। देखो ग्रेचुटी पे क्वेश्चन ले लिया, पेंशन पे क्वेश्चन ले लिया, कल ही हमने ले लिया, वीआरएस पे क्वेश्चन आ गया, लीव एनकैशमेंट पे क्वेश्चन आ गया, एवरीबॉडी यस और नो? क्लियर है? सॉल्व नहीं किया बेटा तूने? जल्दी, इज इट डन? तो अब आते हैं हम लोग इसके बाद। यार मैं क्या बोल रहा हूं, अब इतनी दूर आई गए हो तो एक क्वेश्चन और बनता है। सीएस नहीं, मतलब इतनी दूर आई हो इसके लिए मॉड्यूल का एक क्वेश्चन देता हूं। अच्छा बड़ा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, थोड़ा मजा भी आना चाहिए ना तुमको, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वाह
बहुत है बढ़िया। हाँ जी, क्या मस्त क्वेश्चन मिला है देखो। टीवन वन, बाकी आप यहां से देख सकते हैं। एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व 8 मिनट्स विच स्टार्ट्स नाउ। ग्रेचुटी दिया है, लीव एनकैशमेंट दिया है, कार दिया है, पेंशन दिया है, गिफ्ट दिया है, टीवी दिया है, फिर नीचे बेसिक सैलरी, पेंशन एक्सेट्रा दिया है। सबसे पहले क्या करें, जितने आइटम लिखे हैं फॉर्मेट बनाए, सब एक एक चीज एक लाइन छोड़ के लिख दे। पहली बात, इससे कॉन्फिडेंस आएगा मेरे को कुछ तो जमा, चाहे वो नाम ही क्यों ना हो। तो जितनी चीजें दिख रही सब लिख दे, इसके बाद वर्किंग नोट बनाते बैठेंगे। तो क्या क्या दिख रहा है आपको जल्दी जल्दी बताओ, क्या बेसिक दिख रहा है कहीं ढूंढ के? बेसिक दिख रहा है, बराबर है। डीए दिख रहा है, बोनस दिख रहा है, बोनस दिख रहा है, कमीशन दिख रहा है, नहीं। अच्छा, पेंशन दिख रही है, लिखो एक लाइन छोड़ के, पहले धनाधन सब लिख दो, बाद में देखते बैठेंगे क्या है। ग्रेचुटी दिख रहा है, लीव एनकैशमेंट दिख रहा है, लिखते जाओ। पहला पहला अपना वो अकाउंट्स के जैसे पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर दो, बाद में देखेंगे डेबिट किधर डालना है, क्रेडिट किधर डालना है। इजी वे, पेंशन दिख रहा है डाल दो, कार दिख रही है लिख दो, गिफ्ट लिख दो। हाँ, टीवी मत लिखना, वो गिफ्टेड है, गिफ्ट है, कौन से हेड में जाएगा? गिफ्ट है, कौन से हेड में जाएगा? IFOS याद है ना? हाँ तो क्या, हाँ एक और वर्किंग नोट बनाइए, IFOS, उसमें लिखिए टीवी गिफ्ट। करना क्या है बाद में देखेंगे। और सैलरी के तुरंत नीचे मत बना दीजिएगा, ग्रॉस सैलरी आएगा, डिडक्शन आएगा, 8-10 लाइन छोड़ के बनाइएगा। डन हो गया सब? चलो फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार रिकॉल करवा दूं, 31 जनवरी 2023 को रिटायर्ड हुए थे, जनवरी को आप रिटायर हुए हैं 30 ईयर्स का सर्विस कंप्लीट करके। डू द ऑनर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8 मिनट सारी वर्किंग नोट के साथ, या तो 8 मिनट में आप कंप्लीट करेंगे या तो फिर यही फास्ट ट्रैक फिर से देखना होगा, बदलेगा नहीं नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। हाँ, May 24 अटेम्प्ट के लिए बदल जाएगा। एनीवन November 24? नहीं ना, फाइनल का फास्ट ट्रैक देखना होगा आपको। तो स्पीड अप, अगले 8 मिनट सर हम सॉल्व करते हैं, आप रुको। जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। सैलरी सॉल्व करना ज्यादा आसान है, पहले फॉर्मेट बनाओ और फिल इन द ब्लैंक्स करो। फिल इन द ब्लैंक्स करते वक्त याद रखना, जो चीजें आसान दिख रही है पहले वो फिल कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेचुटी दिख रहा है तो पहले ग्रेचुटी का वर्किंग नोट बनाने चले गए, नहीं। जो चीज आसान दिख रही है पहले उसको करो ना महाराज।
करो, स्पीड अप, 2 मिनट ओवर हो चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। करूं क्या सॉल्व? कमॉन कमॉन कमॉन, बाय दिस टाइम आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। क्विक क्विक क्विक, वर्किंग नोट्स बनाओ फटाफट, रुको मत, इधर उधर नहीं, डायरेक्ट। बात कल की है, आप लोग अपना सॉल्व कीजिए, ऑनलाइन बात करो। बात कल की है, कल एक लड़का इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी क्लास में आना है, बट ऐसा लगता है मैं आपसे नज़रें कैसे मिलाऊँ, फेल हो गया है, रिजल्ट फेल आया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कम ऑन, सबसे पहली बात, अपने टीचर से मिलने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आई मीन टू से, ठीक है ना, आपका टीचर ने भी फेल का रिजल्ट देखा है, तो ही कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। समझ आ रही है बात? आपके टीचर ने भी ये देखा है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दैट यू फेस्ड एन अटेम्प्ट। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, गो टॉक टू देम, मीट देम, इनफैक्ट क्लास में आना है, क्लास में आकर के बैठो, डजंट मैटर। यस, गलत ये होगा कि तुम एकांत में चले जाओ, गलत तब होगा। थोड़े स्पीड की जरूरत है, स्पीड अप। स्पीड 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 चाहिए मेरे को। करूं क्या मालिक सॉल्व? करूं? कभी तो हां बोलो। ट्राई करो, बैठे मत रहो, बैठे रहने से कभी कुछ नहीं होता, कुछ करने से ही कुछ होगा। गलत होगा ना, और क्या होगा मेरे भाई? गलत होना, गलतियां होना भी ये सबूत है कि तुम कुछ कर रहे हो।
एक जवाब 682769, एक जवाब आ चुका है 682769। Only 2 minutes left to your dreams. तीन लोगों का जवाब आया है 682769, मतलब इस जवाब में कुछ तो है। देखते हैं आप क्या निकाल पाते हैं। चलो जल्दी 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 जल्दी, लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट नहीं तो नेक्स्ट। कम ऑन KWIC के क्विक। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पक्का कर दूं। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 682769, गेटिंग और नॉट? चलिए कैसे समझते हैं। रिटायर कब हुआ था? जनवरी में। सुनो, रिटायर कब हुआ था? जनवरी में। हेल्प मी विद द फिगर्स, बराबर है? जनवरी में अगर रिटायर हुआ था, व्हाट इज द बेसिक सैलरी? 20,000 पर मंथ। यानी क्या मैं कह सकता हूं मुझे 10 मंथ्स का सैलरी कंप्यूट करना है? यस, 20,000 इंटू 10, दैट्स 2 लाख रुपीस। अरे एवरीबॉडी, बराबर। दूसरी चीज थी डीए। डीए कितना था बेटा? 50% फॉर द मंथ फ्रॉम द पीरियड दिस टू दिस, 50% है। मतलब डीए 1 लाख रुपीस लिया जा सकता है। तीसरा, पेंशन दिया है। पेंशन कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है? कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है? दोनों है। अनकम्यूटेड पहले दिख रहा है हमको। अनकम्यूटेड कितना है? 5,000 पर मंथ। तो क्या मैं 10,000 रुपीज बोल सकता हूं? अरे एवरीबडी, ठीक है। फोर्थ, जो मेरे को दिख रहा है आसान है, मैं तुरंत पहले उसे करे जा रहा हूं। इसके बाद में आते हैं, मुझे गिफ्ट वाउचर दिख रहा है 6,000 रुपीज का, जो मेरे को इजी लग रहा है। मैंने पहले वो कर लिया 6,000, क्या मुझे पता है पूरा टैक्सेबल है? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा एवरीबॉडी, ठीक है? अच्छा जी सर, इसके बाद में दिख रहा है ग्रेचुटी 6 लाख रुपीस कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। लो जी, ग्रेचुटी, क्या वर्किंग नोट आएगा इसके ऊपर? यस, ये लो जी ग्रेचुटी का वर्किंग नोट। एक्चुअल अमाउंट कितनी है बोलो जल्दी से? इज इट 6 लाख?
इसमें से लेस लोअर ऑफ, पहला क्या बेटा एक्चुअल इज इट 6 लाख, दूसरा बी बोलो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, कुछ फर्क पड़ने वाला है दूसरे में या तीसरे में लिखू तो, हाफ इनटू बोलो ना बेटा गलत, अगर वो कवर्ड है तो 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना है बोलो, हाँ जी 30,000 कैसे निकाला आपने, बेसिक प्लस डीए, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो या ना हो, ये हुआ 30,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस 30, यस सो दैट कम्स टू रुपीज 3 लाख इनटू 30 इनटू 15/26 दैट कम्स टू रुपीज 519,2307 नो 519,230 या 231 एज द केस मे बी, चलो 1 कर लो 519,231 इसमें से माइनस होगा 80769, लो जी यहां पे आ गया 80769। इसके बाद में लीव एनकैशमेंट वर्किंग नोट नंबर 2, लीव एनकैशमेंट एक्चुअल कितना मिला मेरे को बताओ 3,30,000, लो जी इसमें से पहला एक्चुअल 3,30,000, बी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, सी एवरेज सैलरी इनटू 10। अच्छो सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अमाउंट्स, बाकी अगर देखा जाए बराबर ना, वो आरएफए के लिए था, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, क्या ये भी ले देके 30,000 ही आ रहा है, इनटू 10/10 एवरेज भी 30 बना, अरे एवरीबॉडी यस, पर क्या हम इसे 20 लेंगे या 30 लेंगे, 20 क्यों लेंगे, डीए रिटायरमेंट के लिए ऐसा कहीं पे भी बोला नहीं है, तो इट शुड बी 20, सो आंसर हियर शुड बी 2 लाख, डीए रिटायरमेंट के लिए बोला नहीं, और जब तक बोला नहीं गया इट्स नहीं, हाँ लीव क्रेडिट, क्या लीव क्रेडिट के लिए हमारे पास बैलेंस लीव प्रॉब्लम में दी है, बैलेंस लीव कितनी है 330 × 20,000/30 2,20,000, चारों में से लोअर क्या है बेटा 2 लाख, टैक्सेबल इज 1,30,000, आहो टैक्सेबल इज 1,30,000, आहो एवरीबॉडी, लो जी लीव क्रेडिट भी खत्म हुआ, लीव क्रेडिट खत्म होने के बाद हमारे पास थी कार, एवरीवन ही वाज ऑफर्ड अ कार विच वाज परचेज्ड बाय कंपनी इन 2020 फॉर 5 लाख, कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख, मतलब कार सेल हुई है, ठीक है, कंपनी ने 15% पे डेप्रिशिएट किया, कंपनी कुछ भी डेप्रिशिएट करे हमारे लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 20%, हाँ या ना, यस सो 30/1/2020 ठीक है, लो जी कार, कार 30/1/2020 कितने का एक्वायर किया था 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन, 30/1/2020 से लेकर के 29/1/2021 डू यू अग्री, एट द रेट ऑफ 20% कितना आ रहा है, इज इट 1 लाख, WDV कितना बचता है 4 लाख, हाँ जी इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 30/1/2021 से लेकर के 29/1/2022 इज इट 80,000, 3,20,000 बचा आपका WDV, एक और साल का डेप्रिसिएशन माइनस हो सकता है क्या, देखना 30/1/2022 से लेके 29/1/2023, इस प्रॉब्लम में ये बताया नहीं है सेल हुआ कब है, हम ईयर एंड पे अज्यूम कर सकते हैं,
इसीलिए 3 साल का डेप्रिसिएशन ले रहे। इज इट 64,000, 2,56,000, सेल वैल्यू कितनी है 2 लाख, तो क्या 56,000 में परक्विजिट मांग सकता हूं? इफ सेल वैल्यू इज लेस देन WDV, परक्विजिट अराइजेस। सो ये बना मालिक आपका 56,000। एवरीवन, इसके बाद कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है 3 लाख रुपीस, 2/3 कम्यूटेशन है, कम्यूटेड पेंशन। ये एक प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना, आपके 2-3 रिटायरमेंट बेनिफिट, 2-3 परक्विजिट और एक टोटल इनकम वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। इसलिए मैंने डायरेक्टली ये वाला प्रॉब्लम लिया कि भैया यही एक प्रॉब्लम सैलरी में ऐसा है जिसमें 2-3 रिटायरमेंट बेनिफिट एक साथ कवर्ड हो जाते। बोल बेटा, कम्यूटेड पेंशन एक्चुअल कितना रिसीव्ड हुआ है 3 लाख, बराबर है। अच्छा, इज ही ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी? इफ ही ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जम्प्ट। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। 2/3 इज 66.6666। अरे एवरीबडी, 3 लाख डिवाइडेड बाय 66.66666% इज इट 4,50,000। 4,50,000 का 1/3, 1,50,000, टैक्सेबल इज 1,50,000। हाँ या हाँ, सोच समझ के बताइए, हाँ या हाँ। सर ये कहां से लाया आपने? बेटा 2/3 प्रॉब्लम में दिया है, 2/3 का मतलब ही 66.66 होता है। प्रभु जी डन। सर 30/1/2019 को परचेस है, केडा नशा। 30/1/2020 कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हो? तुमने कहीं ओल्ड तो ओपन नहीं कर दिया? नवंबर वाला मॉड्यूल नहीं ओपन करना है, 23 वाला मॉड्यूल ओपन करना था। हाँ, इधर 1,50,000 ले लू? अरे बोलो ना, इधर 1,50,000 आ गया। और कुछ बचा है प्रॉब्लम में? अभी बचा है उसके कलीग्स ने उसको टीवी दिया, बाकी सब तो खत्म हो गया। चलो पहले ग्रॉस सैलरी बनाओ, $732,700। इसमें से बिना बोले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा, कितने का बेटा 50,000। एक मिनट, कोई बच्चा यहां पे गलती कर रहा है, दिस फिगर इज नॉट करेक्ट। 769। इसमें से 50,000 माइनस हो गए। क्या कोई प्रोफेशनल टैक्स पेड है? इज इट 682,769? एब्सोल्यूटली प्राउड जिन जिन लोगों का आंसर आया है। यस, अच्छा पिक्चर अभी बाकी है। IFOS में टीवी लिखा है, उसके आगे आएगा nil। पूछो क्यों? बिकॉज टीवी इज नॉट अ प्रॉपर्टी। यस, गिफ्ट को टैक्स इज नॉट अ कैपिटल एसेट। टीवी इज नॉट अ कैपिटल एसेट। It will not be taxable as gift. It will not be taxable as gift. Ekats problem, कुछ बहुत सारी चीजें clear। आ जाओ बेटा। सर क्या हमारा सैलरी खत्म हो गया? हाउले
आ जाओ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अगर देखा जाए तो हमारा लास्ट चीज बची हुई है प्रोविडेंट फंड। इनफैक्ट सैलरी की भी वो लास्ट ही चीज है, प्रोविडेंट फंड। आ जाओ बेटा, आधे बच्चे सतर्क सावधान, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जिसका आपको कुछ पार्ट समझता है और आगे का कुछ समझता ही नहीं। याद है ना, जो अमेंडमेंट आया वो तो कुछ नहीं समझता, बराबर। आ जाओ बेटा, सर आंसर तो आ गया लेकिन इन जगहों पे गलती हो गई, गलती को सुधारिए, गलती को सुधारिए सर। इज दैट डन? चलिए, जो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जिनका जवाब भी आ गया, अब तक के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, क्या कर रहे हैं यार। मैं मार्केटिंग टीम रोज मेरे को ये करने बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को करना पड़ता है, बुरा है पर करना पड़ता है। क्या प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा? अंडरस्टैंड, देयर इज एन एक्ट कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड एक्ट। जैसे ग्रेच्युटी एक एक्ट है, वैसे एक प्रोविडेंट फंड एक्ट है, और ये प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत, ये प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत क्या किया जाता है? प्रोविडेंट फंड पे किया जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि करीब करीब एक घंटा यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है सैलरी का। यस, प्रोविडेंट फंड में होता क्या है? प्रोविडेंट फंड में देखिए होता ऐसा है कि ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये भी क्या है बेटा? एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जिसके तहत सर्टन पोर्शन हैज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, सर्टन पोर्शन हैज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉई इन अ पर्टिकुलर अकाउंट विच इज कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अब ये जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, इधर इसमें आप गवर्नमेंट का बनाए हुए फंड में डिपॉजिट कर दीजिए, यू हैव ऑप्शन एज पर प्रोविडेंट फंड एक्ट, यू हैव ऑप्शन कि गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक फंड है आप इसमें पैसा डाल दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट के बनाए हुए फंड में पैसा डाल देते हैं, यू कॉल्ड इट एज SPF, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। क्लियर है? PF एक्ट बोलता है यू कैन क्रिएट योर ओन फंड ऑल्सो, यू कैन क्रिएट योर ओन फंड ऑल्सो। ओन फंड बनाया, इफ यू गेट इट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यू कॉल्ड इट एज RPF, रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर इज कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इफ यू डिड नॉट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर विच यू शुड हैव बीन, इसको हम कहते हैं URPF, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। समझ में आ रही बात? तो प्रोविडेंट फंड एक्ट कहता है एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई कुछ फंड्स कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट क्यों किया जा रहा है? देखिए, कि एम्प्लॉई की जब एज हो जाएगी 60-65 ईयर्स एंड ही विल नॉट बी यंग एनी मोर, पर उसके खर्चे तो रहेंगे। यस, रिटायरमेंट होने के बाद आगे का लाइफ वो कैसे जिए? उसके पास कुछ तो पैसा होना चाहिए, तो उसी के पैसे से, उसी की सैलरी से कुछ अमाउंट क्या कर दिया जाता है? आज डिडक्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स PF कंट्रीब्यूशन और सेव किया जाता है। गिवन अ चांस, आपके पास जितने पैसे रहे आप सब खर्च देंगे? बोलिए हाँ। खर्चेंगे या नहीं खर्चेंगे? आपकी तो अब तक शादी नहीं हुई तो आप खर्च देते हैं। जिनकी हो गई उनसे तो जबरदस्ती खर्चवा लिए जाते हैं, बराबर है या नहीं है? किसी भी फालतू नाम से खर्चवा लिए जाते हैं, अरे हाँ या ना, बराबर। और कुछ नहीं तो लड़के के घर के रिलेटिव आ जाते हैं, और कुछ नहीं तो लड़की के घर के रिलेटिव आ जाते हैं, कुछ चलता रहता है खर्चे। देखिए बात है, जहां परिवार लेकर के चल रहे हैं वहां सब कुछ होगा। यस, आदमी ये तो नहीं बोल सकता ना, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला, ऐसा बोल नहीं सकता ना। अब बात समझ रहे मेरी? तो अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? बोला जाता है देखिए यार पैसे रहेंगे तो खर्चा होंगे। यस, उससे बेटर है क्या करो, उसी की सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दो। तो एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनाया जाता है। प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक्ट कहता है आप गवर्नमेंट फंड में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बेटा? गवर्नमेंट फंड में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप आपका खुद का फंड भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट के फंड में आपने अगर पैसा डिपॉजिट किया, वी कॉल इट एज SPF, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। यस, आप अपना खुद का फंड भी बना सकते हैं। खुद का फंड बनाया, CIT के सामने डिस्क्लोज कर दिया, अप्रूवल ले ली, यू कॉल इट एज RPF, अप्रूवल नहीं ली, यू कॉल इट एज URPF। एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको RPF पूछता है, आप भी जानते हैं, ठीक है, फोकस करने लायक चीज RPF।
अब ये तो उनके लिए जो सैलरीड एम्प्लॉयड हुए, ये तो उनके लिए जो सैलरीड एम्प्लॉयड हुए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कौन होते बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब प्रोफेशनल्स जो जॉब पे नहीं है, यस बिजनेसमैन जो जॉब पे नहीं है, ये बोलते हैं यार हमारे को भी तो हमारे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेव करके रखना पड़ेगा। ये लोग क्या क्रिएट करते हैं? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, समझ में आ रही बात? सो दिस इज अ बेसिक क्राइटेरिया डिफरेंस। अब ये जो फंड है, मतलब ये टेक्निकली कोई अकाउंट है, इस अकाउंट में दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आने वाला क्या है बेटा इसके ऊपर? इंटरेस्ट, फ्री में तो रहेगा नहीं ना, इसके ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट। सर रखना पैसा किस में बेटर? रियल प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो एसपीएफ इज ऑलवेज गुड, बट एक ही प्रॉब्लम है एसपीएफ के साथ, सिंस इट्स अ गवर्नमेंट फंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये बहुत कम होता है, यस। जबकि आरपीएफ में आपका ओन फंड है, जो बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगी आप उसमें जाओगे, यस। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर देखा जाए तो 1 या 2% पर एनम का डिफरेंस पड़ता है, लेकिन एसपीएफ में सब कुछ एग्जम्प्ट होने के कारण ज्यादा से ज्यादा रोल रियल लाइफ में एसपीएफ में जाते हैं, यस। बट आरपीएफ पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ आ रही बात? तो आपने इधर दिमाग ना लगाते हुए इधर दिमाग लगाया हुआ कभी भी बेटर। तो प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के हुए मेनली, पहला क्लियर है, क्या क्या सोचना है? एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा उसका क्या, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा उस अमाउंट का क्या, इंटरेस्ट जो मिलेगा उसका क्या, और किसी दिन आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा इसका फाइनल अमाउंट, तो ये फाइनल अमाउंट मिला उसका क्या, 4 टैक्स पॉइंट्स आपको सोचने हैं। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसका ट्रीटमेंट क्या, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा उसका ट्रीटमेंट क्या, इंटरेस्ट जो आ रहा उसका ट्रीटमेंट क्या, और जब फाइनल पैसा विड्रॉ होगा रिटायरमेंट के टाइम पे इसका ट्रीटमेंट क्या, ये 4 टैक्स एंगल सोचने होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, पेज नंबर 8। 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ, क्लियर है प्रभु? Yes, सबसे पहले बात आती है एसपीएफ, दैट इज स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड, एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट दोनों कर रहे हैं पर गवर्नमेंट के पास पैसा रखा हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर में पैसा रखा हुआ है, आहो यस। अच्छा जी, ओके, एसपीएफ एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा इट इज एग्जम फ्रॉम टैक्स, एसपीएफ गवर्नमेंट का फंड है, गवर्नमेंट अपने फंड को प्रमोट करने के लिए क्या कर रखी है, सब कुछ एग्जम्प्ट कर रखा है ताकि लोग उनके फंड्स में पैसा डाले। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सैलरी में टैक्स होना चाहिए ता, ये होना चाहिए ता, गवर्नमेंट ने अपने फंड को प्रमोट करने के लिए बोल दिया पैसा डालो एग्जम्प्ट करवा लो। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका डिडक्शन मिलता है 80C, 80C मतलब ग्रॉस टोटल इनकम की बात चल रही है, ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C में से डिडक्शन मिलता है ओन कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन डिडक्शन अंडर 80C, इस पे जो इंटरेस्ट आ रहा वो भी एग्जम्प्ट और फाइनल अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट। तो एसपीएफ इज ऑल विन विन सिचुएशन, यहां पे एवरी टैक्स पॉइंट इज ईदर एग्जम्प्ट और डिडक्शन इज अलाउड, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, कट कॉपी पेस्ट करिए पीपीएफ में, पीपीएफ में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने की जरूरत नहीं है, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कोई लेन देन ही नहीं है, ओन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन अंडर 80C, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट, फाइनल अमाउंट एग्जम्प्ट, आता कैसा बांटते, क्लियर है? तो ये 2 चीजें यहां पे आ गई, डन। आते हैं आरपीएफ पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, आरपीएफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे क्या करता है आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट है, बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी क्या है बेटा? टैक्सेबल। याद कीजिए बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी सेक्शन 7 के हिसाब से डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया भी माना जाता है। याद आ गया तुझ? ओ चम्मी कपूर याद आ गया तेरे को? कुछ कौन से चैप्टर का है? ओ टीडीएस में पढ़ा था हमने, रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था, याद आ गया तेरे को? छम्मी कपूर हाँ बोल जल्दी। सो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट है। सर सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, याद आ रहा है मालिक? यस।
अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट है. ओन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन अंडर 80C. इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम. इंटरेस्ट रेट अगर 9.5% पर एनम तक के तो पूरा एग्जम्प्ट. इंटरेस्ट अगर 9.5% पर एनम तक के तो पूरा एग्जम्प्ट. यस ऑर नो? यस. एंड फाइनल अमाउंट एग्जाम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन. फाइनल अमाउंट जो होती है ये भी क्या होती है बेटा? एग्जाम्प्ट होती है अगर आप कुछ कंडीशन क्या कर दें? सेटिस्फाई कर दें. आप कुछ कंडीशन क्या कर दें? सेटिस्फाई कर दें. क्लियर है? चलिए वापस से बताइए. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट अप टू सेक्शन अंडर सेक्शन सॉरी अप टू अ परसेंटेज ऑफ उन कॉन्ट्रीब्यूशन उन कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन अंडर 80C. इंटरेस्ट कितना एग्जम्प्ट है? फाइनल अमाउंट एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस. क्लियर है मालिक? वाह. URPF एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड. URPF सीधा फाइनल अमाउंट टैक्सेबल होता है. ओन कॉन्ट्रीब्यूशन नो डिडक्शन अंडर 80C. पूछो क्यों? अरे पता ही नहीं है डिपार्टमेंट को ऐसा कोई फंड है. दैट फंड नीड्स टू गेट इट अप्रूव्ड. आपने अगर अप्रूव नहीं करवाया तो क्या बन जाता है वो? अनरिकॉग्नाइज. अच्छा पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो डिडक्शन कहां से लोगे? है ना? सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल. पूछो क्यों? अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो कहां से टैक्स करोगे? डिडक्शन अंडर 80C नॉट टैक्सेबल. सर क्यों? अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो कहां से टैक्स करोगे? जो इंटरेस्ट मिला वो उस साल टैक्सेबल नहीं है. सर क्यों? अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो टैक्स कैसे करोगे? समझ में आ रही बात? डिपार्टमेंट को आपने बताया ही नहीं है. फाइनल अमाउंट टोटली टैक्सेबल. सर ऐसा क्यों? बिकॉज फाइनल अमाउंट जब आप विड्रॉ करते हो तो ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है TDS की. EPF से अगर पैसा विड्रॉ होता है तो TDS कट होता है. यस. अब जब भी ध्यान से सुनना, जब भी विड्रॉ होगा फाइनल अमाउंट URPF का, आपको नहीं लगता इसमें चार कंपोनेंट होंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयीज कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट. कम ऑन, जब भी फाइनल अमाउंट URPF का आएगा इसमें चार कंपोनेंट होंगे. इसके पहले ये कोई भी कंपोनेंट टैक्स नहीं हुआ है, ना ही किसी चीज का डिडक्शन मिला है. अब फाइनल अमाउंट जब भी आएगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो इतने साल का आया होगा उस पर क्या इंटरेस्ट, एम्प्लॉयीज कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, दिस इज टैक्सेबल इन सैलरी. दिस इज टैक्सेबल इन सैलरी. एम्प्लॉय का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल. पूछो क्यों? पता ही नहीं है. नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं. सर फिर देखो, समझाते हैं हम तुमको. बहुत दिनों बाद मेरी बीवी ने 500 का नोट दिया. सुनो तो अरे सुनो, इधर माय ओन कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड नेक्स्ट ईयर, माय ओन कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड नेक्स्ट ईयर, माय ओन कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड. आफ्टर 3 इयर्स मैंने पूरा प्रोविडेंट फंड विड्रॉ किया. मैंने पूरा प्रोविडेंट फंड विड्रॉ किया, ठीक है? इतने में ए आई, इतने में आई ए बोली ताली बजा के इनका. पैसा किसका था? मेरा. मैंने ही प्रोविडेंट फंड में डाला था. यही पैसा क्या कर लिया मैंने? विड्रॉ. इसको टैक्स करिएगा. ये तो ऐसा हो गया, अपने जेब में इधर से पैसा डाला, बरे हुडी था, पैसा इधर से निकाल लिया, इनकम. कैसे इनकम आएंगी? मेरा ही पैसा है. अपने आप को कोई इनकम दे सकता है जीवन में? यस और नो? नहीं होता ना. जैसे आप अपने आप को कोई राय दो तो कभी कंप्लीट नहीं होती. समझ में आ रही है बात? तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर का इंटरेस्ट था, ये सैलरी में जाएगा. एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल? अरे एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल. ये तो ओन कंट्रीब्यूशन हुआ. अभी इंटरेस्ट, अरे इतने सालों का इंटरेस्ट भी तो होगा ना. सम स्टूडेंट बींग लड़के इधर, सर मैडम ने तो 500 दिए थे, बचेंगे कहां से?
बॉयज बॉयज की बात समझ लेना चाहिए। हाँ अभी पॉइंट ये है कि सर ये जो इंटरेस्ट आया इसका क्या, ये इंटरेस्ट तो आया फोर्स में टैक्सेबल होगा, पूछो क्यों। अरे कोई भी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो तो आया फोर्स में जाती है ना, मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट था ना, इसके ऊपर का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, आया फोर्स आहारा ध्यान में की दुकान में। समझ में आएगा, ओहो बराबर है। अच्छा चलिए ध्यान से सुनिएगा वापस से, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया प्लस इसके ऊपर का इंटरेस्ट कहां जाएगा, बोलो जल्दी से कहां जाएगा, बोलो जल्दी से सैलरी, बराबर है। एम्प्लॉई का जो ओन कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल, अरे मेरा ही पैसा है उसको ही, ये तो ऐसा हुआ गुल्लक में किसी दिन आपने बच्चे ने पैसा डाला, ठीक है स्वास्तिक रोज गुल्लक में पैसा डाल रहा था, किसी दिन गुल्लक खुला इतने में ए आई, ये आके बोलते स्वास्तिक टैक्स, तूने इनकम कमाई, स्वास्तिक क्या बोलेगा, बाप को जानती हो हमारे। करेक्ट है कि नहीं, ओन कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओन कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हुआ, कहा बेटा आईएफओएस का। चलो डेंजर, अति डेंजर, अब ध्यान से सुनिए, एक ओवरऑल कैप लिमिट लगाई गई है, यहां से काम की चीज है, यहां तक के तो सब्सटेंशियली सबको याद रहता है, गड़बड़ी यहां से शुरू होती है, प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं जानता हूं राइट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे को मालूम है किधर अपना इंटरेस्ट गायब हो जाता, जो चीज समझ नहीं आती उसमें हमको इंटरेस्ट आता ही नहीं, बराबर है कि नहीं है। यस अब एक ओवरऑल कैप लिमिट लगाई, पहले कैप लिमिट का लॉजिक समझ लो, लॉ ऐसे ही समझ जाएगा। कैप लिमिट का लॉजिक क्या था, कैप लिमिट का लॉजिक इस तरीके से था मालिक कि हो क्या रहा था, यूआरपीएफ का फाइनल अमाउंट जो होता था ये टोटली एग्जम्प्ट होता था, एसपीएफ का फाइनल अमाउंट टोटली क्या होता था एग्जम्प्ट, मेजरली इंडिया भर के कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो में ही आते हैं मेजरली, पीपीएफ का भी फाइनल अमाउंट एग्जम्प्ट होता था। अब लोग क्या कर रहे थे, लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे और भर भर के पीएफ में पैसा डाल रहे थे ओवर एंड अबाउ द लिमिट। लॉजिक क्या था, वो अगर शेयर्स में पैसा डालते, सपोज मेरी इनकम आई, एक सैलरीड एम्प्लॉयड को बात समझिएगा, एक उसके रोजमर्रा के खर्चे खत्म होने के बाद जो उसका सेविंग बचता है, ये सेविंग को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है इसके फ्यूचर के लिए। अब मेजरली तीन बड़े रास्ते बनते हैं, एक या तो वो प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल के सेव कर ले जिसपे इंटरेस्ट आ रहा है टैक्स फ्री हो, दूसरा वो शेयर सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड्स एसआईपीज लगा ले, लेकिन वो जब भी बेचेगा इस पे टैक्स आ जाएगा 20% का। अब सोचिए इफ आई हैड ओनली टू ऑप्शन, टू इन्वेस्ट इन प्रोविडेंट फंड विच इज टैक्स फ्री और टू गेट विच इज रिस्क फ्री ऑल्सो और टू इन्वेस्ट इन शेयर्स विच इज टैक्सेबल, आप क्या चुनोगे, आप सैलरीड एम्प्लॉयड प्योर, आप अगर सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आप बोलोगे भाई मेरे पास जितना पैसा है मैं इसको रिस्क नहीं ले सकता, यस जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, तो जितना है उसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता राइट, इट्स बेटर कि मैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक फिक्स्ड अर्निंग कमाऊं। अब ऐसे केस में होता क्या था, लोग भर भर के पैसा प्रोविडेंट फंड में डालना शुरू कर दिए और पैसा पूरा एक ही सेक्टर में जा रहा प्रोविडेंट फंड, दूसरे सेक्टर्स में पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी घूमेगी कैसे, पहले ये समझिए, हर सेक्टर में जब पैसा मूव होता है तो इकोनॉमी वापस टर्नआउट होना शुरू होती है। 2019 में जब ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन हुआ, वो क्यों डाउन हुआ, क्योंकि अचानक से ई व्हीकल का प्रोविजन किसने लेके आ गया, गवर्नमेंट ने लेके आ गया, तो पूरा जो पेट्रोल डीजल का सेगमेंट था दन से नीचे आ गया, क्योंकि उनको अब अगले 3 साल के अंदर में क्या करना था, जितने पेट्रोल डीजल व्हीकल थे इनको खत्म करना था, मारुति ने अपने प्राइस डाउन किए, हुंडई ने अपने प्राइस डाउन किए और दनादन ऑफर ला ला करके बेच दिए। अब सब धीरे धीरे अब देखो 2022-23 में सब ईवी पे शिफ्ट हो गए, हर व्हीकल ईवी, हर गाड़ी इसके नए मॉडल आ रहे हैं, हर गाड़ी के फेसलिफ्ट आ रहे हैं, या तो हाइब्रिड बन के आ रहे या तो ई बन के आ रहे, आर यू गेटिंग द पॉइंट, सबने ट्रांसफॉर्मेशन किया क्योंकि सब लोग का इंडस्ट्री, उन्होंने बोला मैम आप अगर 2019 से ही पॉलिसी ला लेंगे तो पूरा इंडस्ट्री डाउन हो जाएगा। अब हो ये रहा था पूरा पैसा एक ही सेगमेंट में जा रहा है प्रोविडेंट फंड सेगमेंट के अंदर में और कहीं और जा ही नहीं रहा, शेयर मार्केट में आ ही नहीं रहा वो पैसा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इस पे कैप लिमिट लगाओ। क्या लगाओ, कैप लिमिट, कि भैया आप इससे ज्यादा अगर इसमें कॉन्ट्रीब्यूट हो जाता है तो क्या किया जाएगा, टैक्सेबल कर देंगे, लोगों को डरा दो। यस अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देख अगर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ पेंशन फंड, एटीसीसीडी का मतलब होता है पेंशन फंड,
आरपीएफ में, पेंशन फंड में और सुपर एन्युएशन फंड में, आरपीएफ में, पेंशन फंड में और सुपर एन्युएशन फंड में, तीनों का मिला के 7,50,000 के ऊपर गया तो जितना 7,50 के ऊपर गया उतना अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे एज परक्विजिट। मतलब मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए क्या किया, आरपीएफ के अंदर में 4,00,000 रुपए डाले, पेंशन स्कीम के अंदर में आपने 4,00,000 रुपए डाले, यस, टोटल कितने हुए 8,00,000, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 7.5 लाख, 50,000 पर्क्स बोल करके टैक्स कर देंगे, 50,000 क्या कर देंगे, परक्विजिट बोल के टैक्स कर देंगे। सो एनी एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर एंड अबव 7,50,000 विल बी टैक्स एज परक्विजिट। समझ में आया क्या? मेरे को नहीं समझा, आपको समझा? हम यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों की बात कर रहे हैं या सिर्फ एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं? ओनली एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन तीनों फंड में मिला करके, आरपीएफ प्लस एसएएफ प्लस पेंशन स्कीम, इन तीनों में मिला करके अगर 7.5 के ऊपर जा रहा है तो जितना एक्सेस है ये एक्सेस टैक्सेबल हो जाएगा एज परक्विजिट। समझ में आ रही बात? सो अब मुझे बताइएगा दो 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 कितना टैक्सेबल है, दो 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 कितना टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल है? नथिंग इज टैक्सेबल। हां, आरपीएफ टैक्स हो सकता है अगर ये बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी रहा। इंडिविजुअल लिमिट्स अपनी अलग चल रही है, ये ओवरऑल मॉनेटरी लिमिट है, परसेंटेज लिमिट अलग है, ओवरऑल मॉनेटरी लिमिट अलग है, पहले ये बात क्लियर कर लो। यस, अगर ये 2,00,000 बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी होगा वो तो टैक्सेबल हो गई, दैट वुड बी टैक्सेबल एज रिटायरमेंट बेनिफिट। समझ में आ रही बात? इसका ओवरऑल 7,50 के ऊपर गया तो उसे क्या ट्रीट किया जा रहा है, परक्विजिट्स। समझ में आया क्या? चलिए आरपीएफ, सुनिए मेरी बात, मेरा सैलरी था 70,00,000 रुपीज, ठीक है, एम्प्लॉयर ने सैलरी दी 70,00,000 रुपीज पर एनम, एम्प्लॉयर ने 10,00,000 कॉन्ट्रीब्यूट भी किया टुवर्ड्स माई सेल्फ, कहां पे बेटा, आरपीएफ। अब बताइए क्या आरपीएफ एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट टैक्सेबल होगा? यस, बताइए बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी, व्हाट इज बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी, सैलरी अगर 70,00,000 है इसका 12%, आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया तक किया है 10,00,000, एग्जम्प्ट कितना है, टैक्सेबल कितना हो गया, ये टैक्सेबल है, दिस इज टैक्सेबल एज रिटायरमेंट बेनिफिट, ये है ओवर एंड अबव 7.5 के ऊपर कितना गया 2.5 लाख परक्विजिट बोल के भी टैक्सेबल है। आता कळलं का काय म्हटलं मी? रिटायरमेंट बेनिफिट बोल के टैक्स नहीं कर रहे, परक्विजिट बोल के टैक्स कर दे रहे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इंडिविजुअल लिमिट अलग चल रही है, ओवरऑल कैप लिमिट अलग चल रही है। वापस से सुनो, सैलरी थी 70,00,000 रुपीज, एम्प्लॉयर ने 10,00,000 रुपए आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैक्सिमम आरपीएफ में कितना एग्जम्प्ट है, सो बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी जितना भी होगा टैक्सेबल, ये हमने पढ़ा रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोविडेंट फंड। अब आरपीएफ एसएएफ प्लस पीएस तीनों मिला के भी 7.5 के ऊपर चले गए तो जितना 7.5 के ऊपर जा रहा है वो टैक्सेबल कैसा है एज परक्विजिट। आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर ये डबल टैक्स नहीं हो रहा है, सर क्या ये डबल टैक्स नहीं हो रहा है, हो रहा है, सर क्या ये डबल टैक्स नहीं हो रहा है, हो रहा है, लगाया ही ओवरऑल कैप लिमिट है, परसेंटेज लिमिट अलग, मॉनिटरी लिमिट अलग, परसेंटेज लिमिट अलग, मॉनेटरी लिमिट अलग, डबल टैक्स ना हो इसको ही डिस्करेज करने के लिए उन्होंने क्या बोला, आप लिमिट से ऊपर दो ही मत। सिंपल है ना, नहीं करेंगे हम टैक्स, तुम लिमिट के ऊपर दो ही मत ना, खत्म हो गया काम। आया क्या धन में?
पक्का नहीं। चलिए इस बच्ची से पूछते हैं, बेटे बता, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 9 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में, कितना टैक्सेबल है एज परक्विजिट्स? 2.5। कैसे निकाला होगा इस बच्ची ने? सिंपल, समझ में आया? इसको क्यों समझ में नहीं आया मैंने बोला? बराबर है क्या? ये देख तो रही है पर सुन नहीं रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसको क्वेश्चन पूछा। समझ में आ रही बात? हमारी उम्र में पता चल जाता है क्या चल रहा है। बेटे थोन रात में सोया कर, है ना? वो उसको मैसेज करने का, बेबी कल विजय सर का लेक्चर है, आई नीड टू फोकस। अब बता कितना टैक्सेबल है? कैसे? 1.5। 7.5 माइनस किया, बचेगा कितना? 1.5। ये रिटायरमेंट बेनिफिट बोल के टैक्सेबल है परक्विजिट? समझ में आया? ओवरऑल मॉनेटरी लिमिट है क्या? हाँ। परसेंटेज लिमिट भी है क्या? आता कड़ा लगा, समझ में आ रहा तुमको? हाँ, तो ध्यान से सुनो। चलो आओ, 1 मिनट, मुझे नहीं समझा, वापस समझाओ। एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है 80 लाख रुपीज, ठीक है? उसने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है 11 लाख रुपीज। बताइए रिटायरमेंट बेनिफिट कितना टैक्सेबल और परक्विजिट कितना टैक्सेबल? रिटायरमेंट बेनिफिट कितना टैक्सेबल? कैसे निकाला आपने? 11 लाख माइनस 80 × 12% इज इट 9.6, यस और नो? अब 11 लाख माइनस 7.5 लाख भी होगा क्या? कितना? कल का आप तक कर समझा के बेटे तेरे को? हाँ, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, मैं दमशराज नहीं खेल रहा हूं, सुन। हाँ, ये क्लियर है? अच्छा, 7.5 तक का तो पॉइंट क्लियर है। अब दूसरी बात, जब तुम ये 7.5 लाख का लिमिट काउंट करते रहोगे तो इसमें एक्सेस कंट्रीब्यूशन तो लोगे ही लोगे, प्लस इंटरेस्ट भी लोगे। मतलब जब ये 7.5 लाख रुपए तक की लिमिट कैलकुलेट करते रहोगे, ये 7.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन तो तुम काउंट करोगे ही करोगे, इंटरेस्ट भी काउंट करोगे, ये सुनो, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो आ रहा है तुमको। सरकार ने ओवरऑल कैप लिमिट क्या लगाई है? 7.5, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 7.5 काउंट करते वक्त टैक्सेस कंट्रीब्यूशन तो काउंट करोगे ही करोगे, इसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी काउंट करोगे, एंड ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इन प्रिस्क्राइब मैनर। ये इंटरेस्ट क्या होगा? कैलकुलेट होगा इन प्रिस्क्राइब मैनर। वेट अ मोमेंट, ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है? लॉजिक समझ। ये जो इंटरेस्ट होगा ये तो ओवरऑल फंड पे होगा ना, जो इतने सालों से चलते आ रहा होगा, तुझे तो सिर्फ इसी ईयर के लिए निकालना होगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? कोई एम्प्लॉय अगर 10 साल से काम कर रहा है, ये प्रोविडेंट फंड में 10 साल के कंट्रीब्यूशन पड़े होंगे, तुझे तो सिर्फ इस साल का निकालना है, वो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, सब पड़ा होगा। तो तुझे इन चारों में से इतना सा पार्ट बाहर निकालना है ना। अरे एवरीबॉडी, ये 10 साल का कंट्रीब्यूशन पड़ा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, बराबर है? पर तुझे तो सिर्फ इस साल का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर का इंटरेस्ट बाहर निकालना है। तो डोंट यू थिंक यू नीड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट? अरे हाँ, याद आ रहा क्या? तो कोई फॉर्मूला याद है क्या? वो TPPC 1R, कुछ तो आया था, याद आ रहा क्या? 1 मिनट रुक, नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, जरा ध्यान से सुन। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है कुछ 8 लाख रुपीज, और इसके ऊपर का कैलकुलेटेड इंटरेस्ट, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसके ऊपर का कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है 1 लाख। बताओ परक्विजिट बोल के कितना टैक्सेबल?
टोटल 9 लाख, जब हम लिमिट देखते रहेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूट करेंगे 9 लाख में से 7.5 लाख बचा कितना 1.5 लाख, ये 1.5 लाख टैक्सेबल होगा। यानी जब ये 7.5 की लिमिट देखी जाएगी तब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट भी। अब ये इंटरेस्ट मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे रहा हूं, दिस इंटरेस्ट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेट क्यों करना है, क्योंकि इतने सालों का, समझ में आया क्या, एक चीज बाहर निकालनी है वो भी करंट ईयर का इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, ले ये फॉर्मूला है समझ में आया आप क्या चल रहा जीवन में कल का। अब ये इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि देखो पता है तुम्हें क्या था, यहां लिखा था एनुअल अक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एंड अदर थिंग सिमिलर नेचर एज कंप्यूटेड एज मे बी कंप्यूटेड। इसके लिए वो क्या निकालने वाले थे, एक फॉर्मूला। अब ये था फॉर्मूला कि भैया ये जो एनुअल एक्रीशन हुआ है, एनुअल मतलब इस साल का एक्रीशन कितना हुआ है, सिर्फ उतना टैक्स करना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 × R प्लस टीपी वन प्लस पीसी वन इंटू आर। क्या है सूर्य, ये एक जन्म में पढ़ना है, हाँ एक जन्म में पढ़ना है, हाँ। वट इज टीपी, टीपी का मतलब होता है टाइम पास, नहीं टैक्सेबल परपोजिट। टीपी का मतलब क्या, टैक्सेबल परपोजिट। पीसी का मतलब है एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, रजिस्टर में जाओ, रजिस्टर में जाके लिखो पीएफ, रजिस्टर में जाके लिखो पीएफ, धीरे धीरे जाएंगे। एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ, एक एक चीज बताइए। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एसपीएफ में, एसपीएफ में एग्जम्प्ट, आरपीएफ में एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, यूआरपीएफ में नॉट टैक्सेबल, पीपीएफ में आता ही नहीं, आहो एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी डैश, डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट नॉट टैक्सेबल, एग्जम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम, फोर्थ फाइनल अमाउंट एग्जम्प्ट, 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 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कहां टैक्सेबल है, टैक्सेबल इन सैलरी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन IFOS, फिर हम पढ़ेंगे ओवरऑल लिमिट इफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस एसएएफ प्लस पेंशन स्कीम along with interest exceed 7.5 lakh per annum, excess is taxable as, bolo beta, perks,
हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन टू इंटू आर, वो कह रहा है वे पीसी अपॉन टू इंटू आर प्लस पीसी वन टीपी वन इंटू आर। टीपी टैक्सेबल परक्विजिट्स, पीसी एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर 7.5 लाख, आर आई अपॉन एफ एवरेज, याद है आई इंटरेस्ट अर्नड एफ एवरेज ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय टू। डन। पीसी वन अर्लियर इयर्स एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, टीपी वन अर्लियर इयर्स टैक्सेबल परक्विजिट, जालक का धने जी हाँ जी ये क्लियर है। वापस से सुनिए, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एसएएफ पेंशन स्कीम अलोंग विथ इंटरेस्ट अगर एक्सीड करता है कितने 7.5 से, तो जो एक्सेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा एज परक्विजिट। अब ये इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला दिया है पीसी अपॉन टू इंटू आर प्लस पीसी वन टीपी वन इंटू आर, इसी के नीचे लिखिए चलो। अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेते हैं, वो भी तुम फोर्स कर रहे हो इसलिए, ठीक है, नहीं तो मेरी इच्छा नहीं थी। मैं आपको पहले ही बोला था एक घंटा चलेगा ये, तुम्हारी इच्छा थी करते करते लो। प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ मॉड्यूल, पहले क्वेश्चन को शांति से रीड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉब्लम है और यही एक प्रॉब्लम अवेलेबल है, चेक रीड द प्रॉब्लम, पहले शांति से रीड कर लो।
साला का। चेक कीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन। एक्स लिमिटेड इज अपॉइंटेड एज सीएफओ, कब अपॉइंट किया गया था? 2020 में। बेसिक सैलरी थी 6 लाख पर मंथ, भगवान ऐसे सैलरी आप सबको दे। ही इज पेड 8% एज डीए, ही कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज पे एंड डीए टूवर्ड्स आरपीएफ। ही कॉन्ट्रीब्यूट मतलब ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड अ सिमिलर कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब इतने ही कंपनी ने भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। द अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑन आरपीएफ एज ऑन 1/4/2021 एंड 31 मार्च 2022 इज गिवन एंड 2023 इज ऑल्सो गिवन। क्या फर्क पड़ेगा इससे? करंट ईयर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। कंप्यूट द परक्विजिट वैल्यू, समझ में आ रहा है वो आपसे क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? परक्विजिट वैल्यू, चलिए ट्राई करते हैं। बेसिक था 6 लाख पर मंथ, डीए था 8%। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल पे कितना हुआ? टोटल पे 6 लाख रुपीस प्लस 8% मतलब 48,000, टोटल बिकेम 6,48,000। बराबर है, ये पर मंथ हुआ इंटू 12 76,000 करेक्ट। इसका कितना परसेंट एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया? 10% एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका 10% मतलब 7,77,600। तो मेरा पीसी कितना हुआ विच इज एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन? एवरीबॉडी आपको पीसी मिल गया क्या? बराबर है, आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। क्या बेटा? आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। ठीक है सर, वो भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। अच्छा जरा समझते हैं, ये आय कितना आएगा, ये आय कितना आएगा? सुनिए, आय कितना आएगा देखते हैं। इधर देखिए, आय दैट इज इंटरेस्ट कितना है, ओपनिंग छोड़िए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड कितना था एज ऑन द फर्स्ट ईयर एंड? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड कितना था? 94,57,700। ओपनिंग कितना था? 71,46,700। देखो इंटरेस्ट प्रॉब्लम में दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। ये क्लोजिंग था, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया, इसमें से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दो। बराबर, सिमिलर एम्प्लॉई ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो भी हटा दो। आपको नहीं लगता जो बैलेंस बचेगा वो इंटरेस्ट ही होगा? आप कॉमन सेंस लगा के देखो, ये ओपनिंग था, इसमें करंट ईयर के कॉन्ट्रीब्यूशन हुए प्लस इंटरेस्ट आया होगा तो जाके क्लोजिंग बना होगा। मैंने इंटरेस्ट दिया नहीं था प्रॉब्लम में, तो मैंने उल्टा कैलकुलेट किया, क्लोजिंग में से पहले ओपनिंग माइनस किया प्लस करंट ईयर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन गए होंगे वो माइनस किया। इंटरेस्ट देखो कितना आता है, हाउ मच? 7, डोंट यू थिंक सो? यही आपका इंटरेस्ट होगा। अरे हाँ, 755,800, यही आपका क्या बनना चाहिए? इंटरेस्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग्स। इधर देखिए, 31/3/2022 सबसे पहले अगर हम असेसमेंट ईयर 22/23 के लिए देखें, फिर हम 23/24 के लिए देखेंगे, राइट? 755,800 दिख रहा है करंट ईयर का,
ठीक है, सबसे पहले करंट ईयर के लिए देख लेते हैं, 22-23 असेसमेंट ईयर, मतलब इसके पहले वाले साल के लिए, बराबर है। इसके पहले वाले साल के लिए भी अगर देखा जाए क्लोजिंग कितना था, ये 22-23 के लिए हुआ, 21-22 के लिए सेम निकालो। क्लोजिंग कितना था, 71,46,700, इसमें से ओपनिंग कितना था, 50,35। करंट ईयर कंट्रीब्यूशन कितना था, प्रॉब्लम देखो ना यार, करंट ईयर कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/9/2020 से ज्वाइन किया था, 1/9/2020, अंडरस्टैंड दिस, सुनो। सबसे पहले निकालते हैं, तुमको डायरेक्ट बताऊंगा, आधों को समझ में ही नहीं आएगा, सुनो। सबसे पहले निकालते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, यानी प्रीवियस ईयर 21-22, बराबर है। धीरे धीरे जाते, एक एक साल का अलग अलग करते हैं, रिमोट देना ना इसी का। बेटा सुनो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के पहले सैलरी निकालो, स्टेप नंबर वन, सैलरी निकालो। इफ ही हैज ज्वाइंड ऑन 1/9/2020, प्रॉब्लम देख लीजिए, ही हैज ज्वाइंड ऑन 1/9/2020, आपका प्रीवियस ईयर है 21-22। बोलो, बोलो जल्दी, बोलो। जस्ट गिव मी अ मिनट, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ्स, वेट अ मोमेंट, बताइए करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ। अगर उन्हें 1/9/2020 को भी ज्वाइन किया था, सैलरी कितना होगा, इज इट 6,48,000 एवरीबॉडी, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 होगा। दूसरा, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ होगा, इज इट 10%, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 10% कितना हुआ होगा, बोलो ना जल्दी से, 64,800 आया होगा। अरे हाँ या ना, अरे एवरीबॉडी वेट, ये 1 मंथ का है ना, वही तो बोल रहा हूं यार, इनटू 12 करो, 777,6, 77,76,000, इसका 10% लो, ये हुआ आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। यस, इस साल का पीसी निकालो, पीसी कैसे निकालोगे, क्लोजिंग था एवरीबॉडी, क्लोजिंग कितना था इस साल का, बोलो, प्रॉब्लम में दिया है क्या इस साल का क्लोजिंग, यस, कितना दिया है, 71,46,700 क्लोजिंग है, 71,46,700। इसमें से ओपनिंग भी आपको दिया है क्या, ओपनिंग कितना है, 50,35,000, ये देखो ये प्रॉब्लम में दिया है, ये आया आपका 50,35,000, ओपनिंग हटाया आपने। इसमें से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी करंट ईयर का आप हटाओगे क्या, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन भी हटाओगे क्या,
बताइए इस साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 5 लाख। इज इट जस्ट 56,500 और 5,56,500, ये आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, हाँ या ना? बराबर। अब मुझे बताइए आपका पीसी कितना हुआ? पीसी 7,77,600 माइनस 7,50,000, 27,600। अब देखिए हम कैलकुलेट करने के लिए पूरे रेडी हो गए। हमें टैक्सेबल इंटरेस्ट निकालना है। टैक्सेबल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस TP1 PC1 इंटू आर। क्लियर है? व्हाट इज पीसी? अपॉन 2 इंटू आर। आर का मतलब होता है इंटरेस्ट अपॉन एफ एवरेज। इंटरेस्ट कितना निकला था बेटा? 556,500 डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। एफ एवरेज का मतलब ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2। सिक्सटी 9,850 कितना परसेंटेज निकल रहा है देखो? 0.10931। अरे एवरीबडी 6,090,850, 0.09137। ठीक है, क्या मैं 0.09137 कर सकता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक एक पॉइंट, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 का सैलरी। उसने ज्वाइन किया था 1/9/2020, हमारे लिए प्रीवियस ईयर मतलब 21-22। वापस से देखिए, हर फिगर वापस देखिए। 64,800 ये कैसे निकला? 6 लाख प्लस 48,000 टोटल बना 6,48,000। एवरीबॉडी पेन रोको, देखो इनटू 12 ये बना मेरा एनुअल सैलरी। हर साल एम्प्लॉयर उसका 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी सेम कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम में करंट ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं था, हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया। रिवर्स कैलकुलेशन क्या किया? रिवर्स कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्लोजिंग में से ओपनिंग हटाया और दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डाल दिया, तो जो बचा हुआ इंटरेस्ट ही बचा होगा, ये इंटरेस्ट निकला। अब हम लोगों ने पीसी निकाला, दैट इज इस साल का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। इस साल का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन 777,600 में से 750 माइनस किया 27,600। अब हमने फॉर्मूला बनाया इंटरेस्ट टैक्सेबल करने का, पीसी अपॉन 2 इंटू आर एटसेट्रा एटसेट्रा। पीसी निकल गया था हमारा करंट ईयर का 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। आर कैसे निकाला? जो भी इंटरेस्ट आया था रिवर्स कैलकुलेशन करके, उसमें से एफ एवरेज हटा दिया, एफ एवरेज डिवाइड कर दिया, हमारा है 0.09137 प्लस PC1 TP1 इंटू आर। क्या पकड़ा जाएगा? नील। पूछिए क्यों? पूछिए ना क्यों? हमने ज्वाइन किया है 1/9/2020 को, देयर इज नो एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। आप चेक करके देख लीजिए, अगर आप मई 2000 सितंबर 2020 से ज्वाइन किए होंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपका कंट्रीब्यूशन 7.5 के ऊपर जाता ही नहीं। चेक कर लीजिए, 6 लाख इंटू सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इंटू 7 कर लो, प्लस 8% डीए, उसका 10% भी अगर आप कर लेते हो, क्या 7,50,000 से ऊपर जा रहा है? नहीं। तो इसके पहले अर्लियर ईयर्स का कोई पीसी1 टीपी1 होगा ही नहीं। बोलो कितना हुआ? 21,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.9137 कितना हुआ बेटा? 1,261। अरे एवरीबडी यस और नो? ये क्या निकाला हमने? स्टॉप, ये इंटरेस्ट निकाला हमने। समझ में आई बात? इधर देखो, इधर देखो, प्रॉब्लम में शांति से हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए।
22-23 के लिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकाला जाएगा? 777,600 आपका एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से 750 गए। करंट ईयर का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.0914, हमने 37 किया, प्लस 0 क्यों? क्योंकि इसके पहले अर्लियर ईयर का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ, हमारा भी आंसर इंटरेस्ट का कितना निकला? 1261। समझ में आ रही बात? अब मुझे बताइए, 1261 आपका टोटल निकला, 1261 आपका क्या निकला? टोटल निकला। तो आपका टैक्सेबल परक्विजिट कितना हो जाएगा इस साल का? आपका टैक्सेबल परक्विजिट कितना हो जाएगा? 1261 प्लस 27,600, 28,861 आपका टैक्सेबल परक्विजिट हो गया। कैसे? 27,600 एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट। कलल का एवरीबॉडी, यस और नो? समझ में आई बात? अब आते हैं दूसरे ईयर के लिए, ध्यान से सुनना। मैं नेक्स्ट ईयर में चले गया, पूरी फिगर्स आप मुझे बताएंगे। मैं चले गया असेसमेंट ईयर 23-24 में, इस साल भी क्या मेरा एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है? वेट, पहले इस साल का सैलरी निकालो, एक एक स्टेप मेरे साथ चलो। इस साल का सैलरी निकालो, इस साल का सैलरी कितना था? 77,76,000। इसमें कहीं कोई चेंज हुआ नहीं है, दैट इज 6,48,000 इंटू 12। दूसरी चीज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10%, 7,77,600। तीसरी चीज, पीसी दैट इज एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो। एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन भी 777,600 माइनस, बोलो बेटा, 7,50,000, तो ये बन गया 27,600। ये तो कॉमन ही रहने वाला है इस साल भी। अरे एवरीबॉडी, यस, इस साल का मैंने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है? कितना इंटरेस्ट अर्न किया है निकालो। इंटरेस्ट अर्न कितना किया? वापस से मुझे क्लोजिंग से खेलना पड़ेगा। इस साल का क्लोजिंग कितना है? 94,57,700। इसमें से ओपनिंग माइनस कर दूं, 94,57,700। इसमें से मैं ओपनिंग हटाऊंगा, 71,46,700। इसमें से एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हटाऊंगा, इसमें से एम्प्लॉय का सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दूंगा। जो बचेगा, आपको नहीं लगता वह इंटरेस्ट ही बचेगा? 755,800। एवरीबॉडी, इंटरेस्ट निकल गया। क्या एफ एवरेज भी निकल सकता है यहां पे? एफ एवरेज कैसे निकलता है? ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2। बोल बेटा, एफ एवरेज कितना आया? 830,200। तो अपना R मतलब I डिवाइडेड बाय F एवरेज, इंटरेस्ट कितना आया था अपना? 755,800 डिवाइडेड बाय 830,200। सबको समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? 755,800 डिवाइडेड बाय 830,200 इज इट 0.09103। यहां तक के रख सकते हैं, इसको आप 4 कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। क्लियर है? हां जी, चलो अब पूरा फॉर्मूला वापस अपनाओ। पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस टीपी 1 पीसी 1 इंटू आर। इस साल का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज आर? 0.09104 प्लस व्हाट इज टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ अर्लियर ईयर्स? सोचो, व्हाट इज टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ अर्लियर ईयर? 1261। एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्लियर ईयर
27600 तो ये लो, 27600 प्लस 1261 इंटू 0.09104 निकालो, 1256 प्लस 2628। अरे एवरीबडी, इज इट 3884 समथिंग, इज इट 3884 समथिंग, 3882। आया कैसे निकलता है, वेट पूरा वापस समझाऊंगा, पूरा वापस समझाऊंगा। निकला आखिर वही, एक या दो रुपए का डिफरेंस का है। आइए इधर देखते हैं, प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम में आपको इंटरेस्ट कितना अर्न किया बस ये छुपा दिया और बाकी पूरा कैलकुलेशन दे दिया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन अगेन, वापस से सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको दो असेसमेंट ईयर के कंप्यूटेशन पूछे हैं, 22-23 भी पूछा, 23-24 भी पूछा, इसीलिए आपको सेम प्रॉब्लम को दो बार सॉल्व करना पड़ रहा। एवरीबॉडी यस, पढ़ लिया आपने। चलिए सबसे पहला कैलकुलेशन करिए करंट ईयर का, मैं वापस एक बार आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले असेसमेंट ईयर 22-23, सर आप पहले टीचर है जो पीएफ को इतना डिटेल में लेके जा रहे, थैंक यू, आ बेटा धंधे पे ध्यान दे। सबसे पहले तेरा एनुअल सैलरी बता, एनुअल सैलरी इधर देख, 77,76,000 कैसे निकला, 6 लाख, चेक कर एक एक चीज चेक कर, पहला 6 लाख प्लस 48,000 इंटू 12, ये तेरा एनुअल सैलरी निकला। सबसे पहले तू निकाल रहा है असेसमेंट ईयर 22-23, ये तेरा असेसमेंट ईयर नहीं है, याद है ना। पर प्रॉब्लम में दो चीजें कैलकुलेट करने बोला ताकि वो पीसी1 टीपी1 भी का फॉर्मूला पूरा वन कर सके। ये एनुअल सैलरी हो गई। अब आया एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ अबव, सेवन लैख 77,600। तो इस बहाने से हमें पता चला हमारा एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, जिसको हम अलग शब्दों में क्या कहते हैं, पीसी। 777,600 में से 7,50,000 माइनस कर दिए, जितना एक्सेस बचा, ये परक्विजिट बोला जाता है हाँ या ना, ये तो परक्विजिट है ही, इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो भी परक्विजिट है। अरे एवरीबडी, इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो भी 750 में काउंट होगा, पर अब तक हमें इंटरेस्ट पता नहीं है, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट नीड टू बी कैलकुलेटेड। अरे एवरीबडी, इफ इंटरेस्ट नीड टू बी कैलकुलेटेड, व्हाट इज द फॉर्मूला, पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस पीसी1 टीपी1 इंटू आर, क्लियर है पक्का। एक मिनट, इनमें से कोई फिगर अभी अपने पास रेडीली अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट पीसी, ठीक है। अगर मुझे आर निकालना है, आर मतलब आई अपॉन एफ एवरेज, अब आई मेरे पास अवेलेबल है क्या, नहीं, तो हम गए बैक कैलकुलेशन पे। हमने बैक कैलकुलेशन कैसे किया, हमने सबसे पहले पकड़ा इस साल का क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग था 71,46,700, डू यू अग्री। इसमें से सबसे पहले ओपनिंग हटा दो, व्हाट वाज ओपनिंग, 50,35, यस। इस साल एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन इस फंड में आया होगा, वो भी हटाओ, 777,600। एम्प्लॉय ने भी इतना ही कंट्रीब्यूट किया है, वो भी हटाओ। अब बता जो भी बचा, ये तो तेरा प्योरली इंटरेस्ट अर्न हुआ होगा, द डिफरेंस इज शोइंग इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, तो फाइनल अमाउंट बना होगा। बता इंटरेस्ट कितना बना होगा, 5 लाख
556,500 एवरीबॉडी, ये बन गया आय। अब तुझे एफ एवरेज भी चाहिए। एफ एवरेज कैसे निकाला जाता है? क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय टू, यानी 7146,700 प्लस 5035 डिवाइडेड बाय टू। बोल कितना आया? बराबर है। तो बता तू, आई अपॉन एफ एवरेज दैट इज आर निकाल सकता है क्या? आई निकला था 5,56,500, एफ एवरेज निकला 6,098,50। तो बताइए कितना हुआ? 0.0914 या 316 भी लिख सकता है। तो एक या दो रुपए के डिफरेंस से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, सब राउंड ऑफ ही होगा। ठीक है, अब वापस फॉर्मूले में आते हैं। तुझे पीसी मिल गया, टू मिल गया, आर मिल गया। पीसी वन टीपी वन हो सकता है क्या? पीसी वन टीपी वन नॉट अवेलेबल कॉज इन 2021 कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड, बोलो बेटा, 7.5 लाख। पीसी वन टीपी वन अर्लियर ईयर्स के एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अर्लियर ईयर का एक्सेस इंटरेस्ट बोलते हैं। अब उसने ज्वाइन ही 1 सितंबर को किया था, 1 सितंबर 2020, तो उसका सैलरी ही सिर्फ 6 मंथ का या 7 मंथ का आ रहा है, जिस चक्कर में उसका 750 से ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं जा रहा। जब 750 से ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं जा रहा तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो आपको नहीं लगता? अगेन मैं अगर इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल है? तो पीसी मतलब 27,600 अपॉन 2 इंटू 0.0914 प्लस 0, इज इट 1261? तो क्या मैं कह सकता हूं इस साल मेरा टोटल अमाउंट जो टैक्सेबल होगा एज पर क्विजिट विल बी 27,600 प्लस 1261? समझ में आया क्या? आता कड़ाला काय चल रहा है? ये तो पहले के साल का हुआ, अब यहां से काम शुरू होता है आपका। चलो करो 23-24 के लिए, मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन क्या मेरे बच्चे के पास पीसी और टीपी वन दोनों की डिटेल अवेलेबल है? चलो एक एक चीज वापस बनाओ। सबसे पहली चीज बनाओ एनुअल सैलरी, इस असेसमेंट ईयर का एनुअल सैलरी बनाओ। Is this done? Oh yeah? जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे क्या सबको समझ में आया कैलकुलेशन मालिक? अच्छा, पहला आपने निकाला, क्या निकाला बेटा? सैलरी। अब मुझे बताओ इस साल सैलरी में कोई चेंज हो रहा? तो 77,76,000 ही सैलरी रहेगा। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो एट द रेट ऑफ 10%, 777,600 ही रहा। तीसरा, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन भी 27,600 ही रहा। एवरीबॉडी, फोर्थ, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन तो निकल गया, इसके साथ साथ अब इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट के लिए पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस पीसी 1 टीपी 1 इंटू आर वाला कॉन्सेप्ट है, बराबर है। पीसी अपना निकल गया, अपने को क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा। आर मतलब आई अपॉन एफ एवरेज। व्हाट इज आई? आई दिया हुआ नहीं है। क्लोजिंग है क्या अपने पास अवेलेबल? 94। इसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा? ओपनिंग
71,46,700 इस साल का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, 777,600 इस साल का 777,600 ये सब माइनस कर देने का, करंट कितना बचता है 755,800। एवरीबॉडी इंटरेस्ट निकल गया, एफ एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू, 94,57,700 प्लस 71,46,700 अपॉन टू, 80 बराबर। चलो तो फिर आर निकालो, 755,800 अपॉन 830,2200 0.09103 or 4 एज द केस में भी, ठीक है। एक मिनट, अब मेरा बच्चे बता क्या पीसी मतलब 27,600 डिवाइडेड बाय 20.0910 प्लस पहले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन भी 27,600 था, जिसको हम पीसी वन कह सकते हैं। पहले साल का टैक्सेबल परक्विजिट 1261 आ रहा था क्या, इनटू 0.0910। चल बोल, वन टू फाइव सिक्स प्लस 26,26,3882 लो मैच कर गया इंस्टीट्यूट से, बराबर। तो आपको नहीं लगता करंट ईयर का टैक्सेबल परक्विजिट कितना होगा, 27,600 ये हो गया एक्सेस कंट्रीब्यूशन प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट 31,482। आहो आप ईमानदारी से प्लीज हाथ उठाइए, कित्तों को समझाई पहली बार की चल क्या रहा था यहां पे, पहली बार ही समझा भाई साहब। नहीं नहीं कॉन्सेप्ट ही पहली बार समझा, इसके पहले अटेम्प्ट में समझा ही नहीं था कि क्या है, कॉन्सेप्ट ही पहली बार समझा, इसके पहले समझा ही नहीं था। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे इतना प्राउड हो रहा है तुम पे, क्या बताऊं मैं। समझ में आया? अच्छा कई कईयों ने तो पढ़ा ही पहली बार है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। गाइस इजी था या नहीं था? इजी था, कैलकुलेशंस है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है पर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने भी अनप्रिपेयर्ड होकर के डायरेक्ट ओपन कर दिया, मैं बोला चलो देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या तकलीफ है। फिर अपन ने भी डायरेक्ट मॉड्यूल का मॉड्यूल पे धावा बोला, एक के जगह दो साल के डिटेल्स मिले। पर नहीं ईमानदारी से फर्स्ट टाइम में मैं बोला यार कुछ तो गलत हो रहा है, 7 मंथ्स का सैलरी दिख रहा है 2020 से दिख रहा है, लेकिन असेसमेंट ये 22-23 बोल रहा है। फिर मैं 2 मिनट रुका, मैंने बोला 1 मिनट शांत रह करके वापस से कंप्यूट किया, पूरा का पूरा एज इट इज मैच कर गया। दूसरे बार पे फिर आपको पूरा क्लैरिटी के साथ समझाया, भाई देखिए इस तरह से कंप्यूटेशन बन रहा है। अब खुद आप भी खुद कैलकुलेट क्या कर सकते हो, यस यस और नो, खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको 12:30 बजे तक का टाइम दिया था, राइट? मैं 12 बजे तक खड़े, ओ नहीं वो गलत था। नहीं देखो मेरी बात सुनो, चलो सो यहां तक के हमने खत्म किया, लेकिन आरपीएफ का एक छोटा कॉन्सेप्ट बाकी है। नहीं नहीं होगा ही नहीं आज, उसके लिए भी आधे घंटे का एक्सप्लेनेशन है। पूछो क्या? ये तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का हुआ ना, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का बाकी है अभी। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी एक एक्सेस लिमिट लाई है, आज के लिए इतना काफी है, घर जाओ। नहीं नहीं ये सच है, मजाक नहीं कर रहा हूं। डन है बेटा,
तो आज के लिए इतना ही, आज आपके होमवर्क है, प्लीज घर पे जाइए ये आरपीएफ वाला कॉन्सेप्ट बस एक बार वापस से पढ़ लीजिए, इसका प्रॉब्लम एक और बार वापस से सॉल्व कर लेना, वो चीजें फिक्स हो जाएगी माइंड में, क्लियर है। मिलूंगा आपसे कल, कल का टाइम और कल का टॉपिक क्या होगा मैं आपको बता दूं, कल सैलरी खत्म होकर हम कैप गेन शुरू कर रहे हैं, या टीडीएस या पीजीबीपी कुछ भी हो सकता है, बताऊंगा आपको कल। स्टे कनेक्टेड विद इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एंड यूट्यूब। बाय बाय।